प्रिय बच्चों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर भारत में समाज के अंतर्गत परिवार टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे भारत में संयुक्त परिवार। विश्व के अधिकतर समाजों की सबसे छोटी इकाई एकाकी परिवार है, परंतु भारत के अधिकतर क्षेत्रों में सामाजिक संगठनों की सबसे छोटी समाज शास्त्रीय इकाई संयुक्त परिवार है और उसमें भी परंपरागत संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार का अर्थ एवं परिभाषा। ब्लंट की परिभाषा, संयुक्त परिवार की मुख्य विशेषता है कि वे एक जगह का बना भोजन करते हैं। मेंडेलबॉम की परिभाषा है, संयुक्त परिवार जिसके सदस्य बंधुत्व के संबंधों से संबंधित होते हैं तथा साधारणतया एक मकान में रहते हैं। इन्होंने संयुक्त परिवार की दो विशेषताओं का उल्लेख किया है, बंधुत्व संबंध और सामान्य आवास। मुल्ला की परिभाषा, कानूनी संयुक्त परिवार में वे सब व्यक्ति आ जाते हैं जो एक सामान्य पूर्वज के वंशज हैं। इस परिभाषा में सामान्य पूर्वज के वंशज पे जोर दिया गया है। इरावती कर्वे की परिभाषा, इन्होंने संयुक्त परिवार की परिभाषा अपनी पुस्तक किनशिम ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में प्रस्तुत की है। एक संयुक्त परिवार लोगों का एक समूह है जो सामान्यतः एक छत के नीचे रहते हैं, जो एक रसोई में बना भोजन करते हैं, जो सामान्य संपत्ति के मालिक होते हैं, परिवार के सामान्य पूजा पाठ में भाग लेते हैं और एक दूसरे से किसी विशिष्ट प्रकार के बंधुत्व संबंध से संबंधित होते हैं। आईपी देसाई की परिभाषा, इन्होंने अपनी कृति सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ में विस्तार से परिवार की संयुक्तता और नाभिकता की अवधारणाओं को समझाया है। आईपी देसाई के अनुसार छोटे कुटुंब एक छत के नीचे रहने वालों को नाभिक परिवार जैसा समझना चाहिए, जिसमें पति पत्नी और केवल बच्चे हों, तथा बड़े कुटुंब को संयुक्त परिवार जैसा समझना चाहिए जिसमें तीन या तीन पीढ़ी से अधिक के व्यक्ति साथ साथ रहते हों। संयुक्त परिवार की विशेषताएं, इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर एक, सामान्य निवास। कुछ विद्वानों जैसे कर्वे, मेंडेलबॉम, ब्लंट, जॉली आदि ने संयुक्त परिवार के लिए सामान्य निवास प्रमुख लक्षण बताया है, जिसके अनुसार संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक मकान में साथ साथ रहते हैं। रॉस और देसाई का कहना है कि परंपरागत संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक स्थान पर साथ साथ रहते हैं। नंबर दो, सामान्य रसोई घर। संयुक्त परिवार के सदस्यों के लिए कर्वे और ब्लंट का कहना है कि इसके सभी सदस्य एक चूल्हे पर बना भोजन खाते हैं। आईपी देसाई के अनुसार कई भाई पिता की मृत्यु के बाद पैतृक मकान का बंटवारा करके अथवा बिना बंटवारा किए एक ही मकान में रहते हैं, परंतु भोजन अलग अलग बनाते हैं। सामाजिक संबंधों से वह बंधे रहते हैं। नंबर तीन, सामान्य पूजा पाठ। नवरात्रि, श्राद्ध पक्ष, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, होली आदि अनेक पर्वों उत्सवों में परंपरागत संयुक्त परिवार के सभी सदस्य साथ साथ भाग लेते हैं, लेकिन परिवार के अनेक सदस्य शिक्षा, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय आदि के कारण मूल निवास से बाहर रहते हैं। ऐसे अवसरों पर आने का पूरा प्रयास करते हैं तथा सम्मिलित होते हैं। नंबर चार, बड़ा आकार। देसाई ने छोटे आकार के कुटुंब को नाभिक परिवार बतलाया है, जिसमें पति पत्नी तथा बच्चे साथ साथ रहते हैं। बड़े आकार के कुटुंब को संयुक्त परिवार बताया, जिसमें तीन या तीन से अधिक पीढ़ी के व्यक्ति साथ साथ रहते हैं, यह परंपरागत संयुक्त परिवार भी कहलाता है। नंबर पांच, सामान्य संपत्ति। परिवार की संयुक्तता का महत्वपूर्ण आधार संपत्ति भी है। एक पूर्वज की संतानें सामान्य रूप से संपत्ति विरासत में प्राप्त करती है। संयुक्त परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी आय तथा कमाई परिवार के मुखिया को दे देते हैं। संयुक्त परिवार के सदस्यों की आय एक स्थान पर एकत्र की जाती है तथा वहां से सबकी आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। विवाह, त्योहार आदि अवसरों पर मुखिया खर्च करता है। नंबर छह, नातेदारी संबंध। संयुक्त परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य परस्पर विशिष्ट रक्त, विवाह तथा गोद संबंधों से संबंधित होते हैं। संयुक्त परिवार में पीढ़ी तथा क्षैतिज अथवा दोनों आधारों से संयुक्तता होती है। परंपरागत संयुक्त परिवार में तीन या तीन से अधिक पीढ़ी के सदस्य साथ साथ रहते हैं। नंबर सात, अधिकार और दायित्व। रॉस के अनुसार संयुक्त परिवार के सदस्यों का संगठन कर्तव्य और अधिकार एवं सत्ता और भावना के प्रतिमान से संबद्ध होता है। देसाई का मानना है कि परिवार की संयुक्तता जहां तक समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से संबंधित है, उसके लिए प्रभावशाली संबंधों का होना आवश्यक है, जिससे भाइयों, उनकी संतानें आदि से संबंधित परस्पर अनेक कर्तव्य, अधिकार और दायित्व आ जाते हैं, जो जन्म, मृत्यु, विवाह और अवसरों पर तथा अन्य सामान्य जीवन में देखे जा सकते हैं। नंबर आठ, परिवार का मुखिया।
परंपरागत संयुक्त परिवार का मुखिया कौन होगा यह संबंधित समाज की प्रथा और परंपरा निश्चित करती है। पितृसत्तात्मक समाज में परिवार भी पितृसत्तात्मक होता है, जिसका तात्पर्य है परिवार का सबसे बड़ा पुरुष मुखिया होता है। आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, न्यायिक आदि सभी क्षेत्रों में वह प्रबंधक, मुखिया, पुरोहित, न्यायाधीश जैसी भूमिकाएं संयुक्त परिवार के स्तर पर करता है। नंबर 9, सामान्य सामाजिक तथा धार्मिक कार्य। संयुक्त परिवार कई बंधुत्व से संबंधित परिवारों का संकलन है जो एक धर्म को मानने वाले हैं। समाज संयुक्त परिवार के सदस्यों को सामाजिक और धार्मिक कार्यों के संदर्भ में एक इकाई के रूप में मानते हैं। गांव में कोई भी त्योहार या उत्सव होता है तो संयुक्त परिवार को एक इकाई मानता है। संयुक्त परिवार का वहां प्रतिनिधित्व तो आवश्यक होता है। सामाजिक और धार्मिक कार्य संयुक्त परिवार दो स्तरों पर पूर्ण करता है। पहला, एक इकाई के रूप में ग्राम समुदाय या समाज में जहां वह रहता है, तथा दूसरा, परिवार के सदस्य परस्पर उन कार्यों को संपन्न करते हैं जो सदस्य बाहर रहते हैं। वे भी उत्सवों, पर्वों, विवाह, दीपावली आदि के अवसरों पर संयुक्त परिवार में सम्मिलित होकर धार्मिक सामाजिक कार्यों को पूरा करते हैं। नंबर 10, सहयोगी व्यवस्था। सोरोकिन, एआर देसाई, कर्वे आदि अनेक समाज शास्त्रियों का मानना है कि संयुक्त परिवार के सदस्य परस्पर एक दूसरे के प्रति सहयोग और समूहवाद की भावना रखते हैं। पासंस ने बताया है कि सदस्य सामूहिक अभिमुखन के अनुसार क्रिया करते हैं, उनमें व्यक्तिवाद की तथा निजी अभिमुखन की भावना नहीं होती है। सदस्य परिवार के लिए निजी स्वार्थ का बलिदान कर देते हैं। नंबर 11, उत्पादक इकाई। परंपरागत संयुक्त परिवार ग्रामीण समाज में अधिक होते हैं। वहां पर ये उत्पादन की इकाई के रूप में कृषि के व्यवसाय में देखे जा सकते हैं। खेती बाड़ी में प्रत्येक को उसकी क्षमता तथा कार्यकुशलता के अनुसार कार्य मिल जाता है। सभी अपना अपना कार्य करके उत्पादन की इकाई के रूप में सहयोग देते हैं, लाभ का सब मिलकर उपभोग करते हैं। नंबर 12, निश्चित संस्करण। संयुक्त परिवार में सदस्यों के निश्चित प्रस्तुति और भूमिका होती है। बड़ी पीढ़ी का छोटी पीढ़ियां सम्मान करती है। परंपरागत पितृसत्तात्मक समाज में पति का स्थान पत्नी से ऊंचा होता है। आयु के आधार पर रक्त संबंधी बड़े छोटे, बड़ी आयु छोटी आयु के क्रम में ही होते हैं। व्यक्ति के जीवन साथी के रक्त संबंधियों से वही उच्च निम्न प्रस्तुति होती है जैसे उसके जीवन साथी की, चाहे उसकी स्वयं की आयु कितनी भी हो। नंबर 13, तुलनात्मक स्थायित्व। एकाकी या नाभिक परिवार की तुलना में संयुक्त परिवार अधिक स्थायी होते हैं। संयुक्त परिवार एक संस्था और समिति दोनों है या तीन या इससे अधिक पीढ़ी की संयुक्तता वाला होता है। अनेक सदस्य साथ साथ रहते हैं, उनमें हम की भावना, सामूहिक दृष्टिकोण, एक के लिए सब और सबके लिए एक वाली भावना रखते हैं। संयुक्त परिवार के सभी सदस्य सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण में एक दूसरे का साथ देते हैं। उनमें व्यक्तिवाद की भावना नहीं होती। संयुक्त परिवार के प्रकार। भारत में संयुक्त परिवार के अनेक प्रकार हैं। भारत में अनेक सामाजिक परंपराएं विभिन्न क्षेत्रों में मिलती हैं और उन्हीं के अनुसार संयुक्त परिवार के विभिन्न स्वरूप मिलते हैं। इरावती कर्वे ने संपूर्ण भारत का सर्वेक्षण किया तथा बताया कि उत्तर भारत में पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय और पितृस्थानीय परिवार हैं, तो दक्षिण भारत के कुछ समाजों में मातृस्थानीय और मातृवंशीय संयुक्त परिवार के प्रकार मिलते हैं। अब हम संयुक्त परिवारों के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है सत्ता, वंश एवं स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार के प्रकार। एआर देसाई, कर्वे, आईपी देसाई, मुरडॉक, मैकाइवर आदि का कहना है कि जो समाज सत्ता, वंश और स्थान के आधार पर पुरुष या स्त्री प्रधान होता है, वहां पर परिवार भी पुरुष अथवा स्त्री प्रधान होता है। इन चरों अथवा आधारों पर भारत में संयुक्त परिवार के निम्न दो प्रकार मिलते हैं। नंबर 1 है पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय एवं पितृस्थानीय संयुक्त परिवार। उपर्युक्त तीनों विशेषताएं परंपरागत संयुक्त परिवार में मिलती हैं। परिवार का सबसे छोटा पुरुष मुखिया होता है। सभी प्रकार के निर्णय तथा सत्ता पिता से पुत्र को हस्तांतरित होती है। मैकाइवर और पेज के अनुसार अधिकतर परिवार व समाज पितृसत्तात्मक होते हैं। भारत में कुछ परिवारों को छोड़कर सभी परिवार पितृसत्तात्मक हैं। एआर देसाई, आईपी देसाई का कहना है कि भारत के लगभग सभी परिवारों में सत्ता, वंश और स्थान पितृ पक्षीय है। वंशावली पिता से पुत्र की दिशा में चलती है। विवाह के बाद वर वधु वर के माता पिता के पास रहते हैं। संपत्ति पिता से पुत्र को हस्तांतरित होती है। 1.2, मात्र सत्तात्मक, मातृवंशीय एवं मातृस्थानीय संयुक्त परिवार। दक्षिण भारत के कुछ समाजों जैसे नायर, थरवाड़ परिवार, थियाल, मोपल, बांट आदि में परिवार मातृवंशीय और मातृस्थानीय। इनमें परिवार मातृवंशीय और मातृस्थानीय संयुक्त परिवार हैं। इन संयुक्त परिवार में स्त्री का प्रमुख स्थान होता है। वंश परंपरा माता से पुत्री को चलती है। संपत्ति माता से पुत्री
को हस्तांतरित होती है। माता के बाद पुत्री उसकी उत्तराधिकारी होती है। विवाह के बाद भी पुत्री माता के पास रहती है। ऐसे परिवार केरल के मलाबार के नायर समाज में मिलते हैं। नंबर दो, थरवाड़ संयुक्त परिवार। मातृवंशीय संयुक्त परिवार थरवाड़ कहलाते हैं। इसमें स्त्री उसके भाई बहन, उसकी स्वयं की बहन तथा उसके पुत्र तथा उसकी पुत्रियां साथ साथ रहते हैं। इस कुटुंब की विशेषता यह है कि इसमें मकान में कोई वैवाहिक संबंधी नहीं रहता। इसमें एक स्त्री के नाते रिश्तेदार दूसरी स्त्रियां जैसे पुत्री, माता, बहन, माता की माता, माता की बहन, बहन की पुत्री तथा स्त्री के जो पुरुष संबंधी होते हैं वे भाई, पुत्र, पुत्री के पुत्र, बहन के पुत्र होते हैं। पुरुषों में परस्पर एक दूसरे भाई, माता के भाई और बहन के पुत्र के रूप में रिश्तेदार होते हैं। ये दक्षिण भारत के नायर समाज में मिलते हैं। प्रत्येक कुटुंब के पुरुष की पत्नी दूसरे कुटुंब की सदस्य होती है। जब माता, भाई, बहन तथा बहने तथा उसकी संतानें साथ साथ रहती हैं, एक पुरुष अपनी पत्नी के पास कभी कभी जाता है। इस प्रकार उपर्युक्त वर्णित कुटुंबों में विवाहित स्त्री का पति कभी कभी उनसे मिलने जाता है। इस प्रकार कोई भी वैवाहिक संबंधी परिवार में नहीं रहता है। पुरुष की संतान इस परिवार में नहीं रहती है। इसमें पिता, संतानें, पति पत्नी के साथ का जीवन पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। ये थरवाड़ परिवार की कुछ विशेषताएं हैं। नंबर तीन, पीढ़ियों, उनमें दंपतियों की संख्या के आधार पर उदग्र, क्षैतिज और मिश्रित संयुक्त परिवार। नंबर चार, संपत्ति पर अधिकार और संयुक्त परिवार के प्रकार। इरावती कर्वे ने संपत्ति पर अधिकार के प्रकारों तथा उससे संबंधित संयुक्त परिवार की प्रकृति का विवेचन किया है। उनके अनुसार पितृवंशीय और पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार में संपत्ति पर अधिकार पिता से पुत्र को हस्तांतरित होते हैं। संपत्ति पर किन वंशजों का अधिकार है और कितना है के आधार पर हिंदुओं के सभी संयुक्त परिवारों को दो प्रकारों में बांटा गया है, मिताक्षरा और दाय भाग। इन्हीं से संबंधित संयुक्त परिवारों को अग्र दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर एक, मिताक्षरा संयुक्त परिवार। कर्वे के अनुसार मिताक्षरा व्यवस्था संयुक्त परिवार के अर्थ को समझने के लिए आवश्यक है। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य पर टीका लिखी है, उसमें मिताक्षरा का वर्णन मिलता है। मिताक्षरा के अनुसार संयुक्त परिवार के सदस्यों का संपत्ति पर अधिकार तथा हिस्से का विस्तृत वर्णन दिया गया है। यह भारत के समस्त हिंदुओं से संबंधित है। नंबर दो, दाय भाग संयुक्त परिवार। दाय भाग संयुक्त परिवार में परस्पर स्त्री पुरुष के कि क्या अधिकार तथा स्थिति है, इसका वर्णन जीमूत वाहन ने किया है। उनके अनुसार इस परिवार में अग्र प्रावधान है जो आसाम और बंगाल के हिंदू परिवारों पर भी लागू होते हैं। पुत्र का पैतृक संपत्ति पर अधिकार पिता की मृत्यु के बाद ही होता है। पुत्र पिता के जीवन काल में उससे अपनी हिस्से की संपत्ति की मांग नहीं कर सकता है। पिता की संपत्ति पर एकाधिकार होता है, वह संपत्ति को अपनी इच्छा अनुसार उपभोग कर सकता है। धन्यवाद।